નજર છે રહેશે. આ ઈ એસબીઆઈના મેનેજમેન્ટે શું કહ્યું, તો એસબીઆઈના પરિણામ પર ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એસબીઆઈના ચેરમેન દિનેશ કુમાર ખારા. સર આપકા સ્વાગત હૈ સીએનબીસી બજાર મેં. સર સબસે પહેલે જાણના ચાહેંગે કે કોવિડ કે ચલતે ઇસ તિમાહી મેં રિકવરી ઓર કારોબાર પર કિતના અસર દિખ રહા હૈ. रिकवरी की एफिशिएंसी देखने के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारा तकरीबन अभी तो 95-96% के करीब ही हमारा वो जो है रिकवरी एफिशिएंसी, अभी कलेक्शन एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, वो अभी 95-96% के करीब है. लेकिन आप ये मान के चलें कि ये पूरा एक क्वार्टर मतलब 90 दिन का तो वैसे ही एक रिलीफ रहता है, तो 1.5 महीने में ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ेगा. अगर सपोज मेरा ये मानना है कि अगर एक क्वार्टर में अगर इकोनॉमी इफ इट रिकवर्स इट मे नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द बैंक पर से, बिकॉज कैश फ्लो अगर रिपेयर हो जाते हैं और कैश फ्लो रिपेयर होने के बाद लोगों का रीपेमेंट शुरू हो जाता है तो बैंकिंग बुक में इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. थोड़ा बहुत आएगा बट इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा. आपने 10% लोन ग्रोथ की उम्मीद जताई है, तो कौन से सेक्टर से आपको ये ग्रोथ दिख रही है? जी एक्चुअली कैसा है कि जो जितने इकोनॉमिस्ट की जितनी रिपोर्ट आ रही है उन सब में जो है 9% जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है. तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस यही है कि बैंक का क्रेडिट ग्रोथ जो है नॉर्मली जीडीपी से 1% प्लस होता है, तो इस कारण से 10% का क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ये मेरा मानना है. और बाकी ग्रोथ कहाँ होगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं एसएमई रिलेटेड जो इनिशिएटिव हैं उनमें हम अपना योगदान दें. हेल्थ केयर सेक्टर में जो अभी जो कोविड बुक बनाने की बात की गई है वो हम कुछ कोविड बुक बनाने में अपना योगदान देंगे, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट सेक्टर मेरे को बड़ा लगता है कि उसमें इस साल में काफ़ी ग्रोथ आने की आशा है. कारण ये कि जैसे यूएस और यूरोप वगैरह में जो इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं तो उनका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको सपोर्ट करने में. सर आप नेशनल एआरसीज को कितने लोन ट्रांसफर करेंगे? जी बिल्कुल होंगे, और हम लोग भी इस कंपनी में शेयर होल्डर भी रहेंगे, तो उस कारण से जो है मेरा ये मानना है कि ये जो एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है इसमें काफी पोटेंशियल है, क्योंकि एनएआरसी के माध्यम से जब अकाउंट्स ट्रांसफर होंगे और उसके बाद उनका रेजोल्यूशन जो है उसके साथ में जो एएमसी जुड़ी रहेगी उसके माध्यम से होगा तो उसमें वैल्यू क्रिएशन भी होगा. लेकिन अभी तक कि कितने अकाउंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और शीघ्र ही इस बारे में हम आपको जानकारी दे पाएंगे.